हाय एंड गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7:30 बजे और हम जा रहे हैं आज दुधीवरे कामसेत से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर कामसेत से होगा और पुणे से 45 से 50 किलोमीटर। तो दुधीवरे में एक वाटरफॉल है, दो बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं। हम आए पुणे से और ये आगे रोड जाता है लोनावला और ये कामशेत गांव है। यहाँ से अभी हम लेफ्ट लेने वाले हैं। यहाँ से लेफ्ट जाता है रास्ता पौना नगर और पौना डैम के लिए। तो यहाँ से ऑलमोस्ट अब 8-9 किलोमीटर दुधीवरे वाटरफॉल है। साइड में एक छोटा सा होटल है, सो वहाँ नाश्ता करेंगे फिर आगे जाएंगे। अभी बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मोबाइल को भी ढक लिया है, देख सकते हो पूरी बारिश। ये बादलों में पूरा पहाड़ गया है। छोटा सा रास्ता पौना और राइट साइड में ये पहाड़ी से छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं और ऐसे ढेर सारे। तो यहाँ से ये इसका आप लुक उठा सकते हो इस रास्ते का, दोनों साइड रास्ते की पूरी, यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में पूरी ग्रीनरी है। और अभी ये जो रास्ता जाता है, ये रास्ता भी दो पहाड़ों के बीच में से जाता है। ये बराबर यहाँ से लेफ्ट साइड से वन वे, वहां से एक वन वे और बीच में शंकर जी का मंदिर लगता है। और ये दो पहाड़ी से ये रास्ता, अभी हम आए इस साइड से। सो ये पौना डैम के नीचे ही पौना नगर है, एक गांव है छोटा सा। और इस साइड में ये पौना डैम की साइड से दो रास्ते जाते हैं, किस साइड से जाता है और अभी हम खड़े हैं इस साइड से, ये लेफ्ट साइड राइट साइड से। सो लेफ्ट साइड से यहाँ ये जो फोर्ट दिख रहा है, ये फोर्ट है तिकोना फोर्ट। फिर यहाँ से आगे गए तो कोराईगढ़ के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो फोर्ट दिख रहा है, ये है तुंग और अभी लोहगढ़ जो है इस साइड है। सो ऑलमोस्ट 4 से 5 फोर्ट इसी एरिया में है। ये आपको जो बोल रहा था, ये नेकलेस पॉइंट जैसे दिख रहा है, यहाँ से देख सकते हो। वाटर फॉल आना है क्या? अच्छा भाई, वो अंदर से देख कैसे देख रहा है। What a view, man! See, क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है एकदम। Okay, so ये दुधीवर एक गांव और ये गांव एक छोटा सा रास्ता है अभी हम जहां से आए। फिर उसके बाद चावल की खेती है और वो खेती से ही होके हम वाटरफॉल जाने वाले हैं। और ये वाटरफॉल है, शायद पीछे कुत्ता भी है। सो ये दो वाटरफॉल है। जनरली लोगों को इस वाटरफॉल के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, तो लोग जो रास्ते पे जो जितने भी कुछ वाटरफॉल लगते वही जाते हैं। यहाँ भीड़ बहुत कम होती है और हमें ऐसे रास्ते से जाना है। आ जा, नियर अबाउट 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस होगा जहाँ पे बाइक पार्क की है वहाँ से। और पूरा रास्ता ऐसे ही है, एक 10 मिनट लगते हैं वहाँ तक जाने के लिए। सो देख सकते हो छोटा सा रास्ता है, पब्लिक भी है। देखो यहाँ से एक व्यू देखते हैं। अब पूरी चावल की खेती है और अभी हम जो आए इस साइड से, ये दुधीवरे गांव, इस रास्ते से अभी आए, पूरी चावल की खेती और ये वाटरफॉल की तरफ अभी। चल आराम से। सो ये वाटरफॉल का पानी जो है इस साइड से यहाँ से आ रहा है और यहाँ से बह के ये पूरी चावल की खेती है, पूरे चावल की खेती में पानी जा रहा है, फिर ये आगे जाता है पौना डैम में।
गाँव से अभी यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस चल के आए और यहाँ दो वाटरफॉल है, एक राइट साइड का जो है इसके लिए अलग से ये वाला रूट है, यहाँ से जाना यहाँ से रास्ता है। और अभी जो हम खड़े हैं ये दो वाटरफॉल के बीच में है जो पानी आ रहा है, और ये लेफ्ट साइड में एक रास्ता है, तो अभी हम जाने वाले इस साइड के वाटरफॉल पे, राइट के नहीं, लेकिन ये दोनों नज़दीकी है, सो लेट्स गो। सो हम सोच रहे थे ये पानी में से आए, ठीक है यहाँ तक तो आ सकते थे पानी में से, लेकिन यहाँ से फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता। सो वहाँ पे वो चाचा दिख रहे हैं, ये यहाँ पे इन्होंने हमें रास्ता बताया कि यहाँ से जाओ वाटरफॉल पे। हम जा रहे थे वो पानी की साइड से, यहाँ से जा रहे थे हम नीचे से। तो अच्छा हुआ आपकी सुनी हमने, चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पे बर्फ पर वाटरफॉल के कॉर्नर पे भुट्टा भी है, क्या व्यू है, मतलब यहाँ से कुछ खाओ इस साइड से और सामने वाटरफॉल, यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी शायद कुछ भुट्टा ये मिलता है शायद। सो अभी एक लेफ्ट साइड में ये वाला वाटरफॉल, राइट साइड में ये वाला वाटरफॉल, सो यहाँ पे नहीं जा सकते ये वाली साइड में बिकॉज इट्स लिटिल बिट रिस्की, यहाँ पे जाने के लिए इस साइड से आना पड़ता है। और अभी हम आए दूसरी साइड से, सो विल जस्ट गो हियर, ओनली दिस वाटरफॉल देख तो दोनों सकते हैं यहाँ से। आई थिंक मुझे मेरे जूते निकालने पड़ेंगे, ना स्लिप हो रहे पूरे घिस गए इसकी वजह से। भुट्टा पास्ता का चाय पीने के बाद अब हम आ गए वाटरफॉल की तरफ, एंड इट्स वेरी रिस्की क्योंकि यहाँ से अभी फिसल भी सकते हैं, कि लास्ट टाइम मैं एक बार यहाँ से फिसल चुका हूँ। सो अभी तो मैं तो मेरे शूज़ निकालने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि शूज़ का जो सोल है वो पूरा घिस चुका है और पैर भी फिसल रहे हैं। लेट्स सी, ओ शिट, दिस इज, ये छाता छोड़ के आए यहाँ पे, और हमें छाते की बहुत सख्त जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि बारिश तो नहीं है बट ये जो वाटरफॉल का पानी है ये हवा की वजह से इस साइड पूरा आ रहा है, और ये आ रहा है मोबाइल फोन पे, सो वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे इसलिए छाता लेके रहा हूं। स्टंट मत मार भाई, मैं तो जा रहा हूं इस साइड से, तू मार अपने स्टंट भाई। ठंडा लग रहा है। ओके okay.
ओके सो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, रूम पे जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक रोप वे देखा है अभी, इस साइड देख सकते हो। तो ये दो पहाड़ को ये कनेक्ट करा है इन्होंने, तो यहाँ पे देखते एक बार रेट पूछते हैं कैसा रेट है। रास्ता तो बहुत सही है, चलो आपको रास्ता दिखाता हूँ। रास्ता कितना बढ़िया है, घना जंगल है। ओके इस साइड है क्या, पूछा क्या कितना है क्या पूछ। अभी हम आए हैं जीप लाइन, सो दो पहाड़ है, दो पहाड़ को ये जीप लाइन यहाँ से इन्होंने ज्वाइन किया है। सो पर पर्सन यहाँ पे फीस जो है वो 300 रुपीज़ है। यहाँ से ये जो दूसरा इसका एंड है वो यहाँ पे है। सो यहाँ से इसका एक्सपीरियंस लेते हैं और यहाँ से वाटरफॉल का व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी व्यू फ्रॉम दिस जिप लाइन। अभी स्पेशल मैंने रिक्वेस्ट करके इनसे, क्योंकि वीडियो में पूरा शूट नहीं हो रहा था, इसे फिर से ये सेंटर पे ले आया हूँ। और ये पीछे की साइड में देखो वाटरफॉल, यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू दिख रहा है। इस साइड में ये पूरा डाव है और ये पूरी हाइट पे, तो दिस लुक्स नाइस। चलो जाते हैं अभी वापस इस साइड, और अभी हम आए हैं इस साइड से आए कॉर्नर। सीरियसली दिस इज अमेजिंग, पीछे से आए अभी। ये पानी यहाँ से सीधा जाता है गांव की तरफ और यहाँ से पौना डैम पे। ये आवाज़ देखो कितनी ज़ोर से आ रही है। इसी रास्ते से कंटिन्यू सीधा चलने वाले, एक्चुअली ज़्यादा डेप्थ नहीं है, थोड़ी सी डेप्थ है, इसकी वजह से रिस्क क्लियर है। और भाई जो दूसरा रास्ता जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से, और अगर आपको ये करना है तो एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना इस रास्ते से जाना मना है। डोंट टेक रिस्क बिकॉज आ जा भाई, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। काफ़ी फोन पकड़ो तो दूसरे चलो भी शक। इधर नहीं नहीं ऊपर से रास्ता है। हाँ आराम से ए, ओके सो यहाँ
कई कई जगह पे ऐसा है कि डेप्थ बहुत ज्यादा है। अब मेरे जेब में फोन है, क्या करूं, ऊपर निकालूं क्या इसको? ओह एक काम करना, नहीं नहीं मैं नहीं ले रहा, तू एक काम करिए फोन ले। अबे सुन, डेप्थ कहाँ ज्यादा थी? यही पे थी ना कहीं? रुक रुक, यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर दिख रहा है, पत्थर के ऊपर मैं आ सकता है यहाँ पे। गया, यही पे है ना ज्यादा? ओके चल, यहाँ से नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। ये उस साइड में ना एक मंदिर है, चल मंदिर देखते जा सकते हैं क्या वहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे ज्यादा है। चलो, ओ बहुत ज्यादा पानी है यहाँ पे। शिट शिट, आप आ जाए तो नत्ती कुमार थे वो पूजा आगे। ओके, अभी फिर से पानी में से जाएंगे क्योंकि हम यहाँ से आए थे इस डायरेक्शन से, वहाँ जाना है तो गलत रास्ते पे आए थे, फिर से साइड जा रहे हैं। यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे पानी है, पानी बहता है तो वहाँ पे ज़्यादा फिसलते नहीं है, कहीं ज़्यादा नहीं होती है। So that's it, we are on a right path. चलो, ये व्यू यहाँ से ये भी देखते हैं, ये पूरी चावल की खेती है, ये पूरी चावल की खेती है। के लिए तो आज के ब्लॉग में हमने देखा दूधी भरे वाटरफॉल, और अभी जा रहे गांव की तरफ जहाँ बाइक पार्क किए। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।